हेलो एवरीवन, माय नेम डॉक्टर एस के गौतम। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर जनरली ब्लड में तो प्रेशर होगा ही, तो ब्लड प्रेशर जनरल का ना एक होगा ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो सब लोगों का रहता है, हम लोग का टॉपिक होगा हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन क्या है और कैसे इससे बच सकते हैं, प्रिवेंशन के क्या तरीके होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, इसका मतलब होता है जब ये आपके ब्लड का प्रेशर यानी ब्लड जो प्रेशर ब्लड वेसल्स में और आर्टरी में लगाता है वो 140/90 से ज्यादा हो जाए, 140/90। 140 सिस्टोलिक बीपी कहते हैं और 90 को डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। अगर इससे ज्यादा आपका प्रेशर हो रहा है ब्लड में तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे हाइपरटेंशन। जनरली हम लोग एज से रिलेटेड इस चीज को देख सकते हैं, 30 साल से ऊपर के लोग हैं या जो बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, बहुत ज्यादा उनको परेशानी है, स्लीप डिसऑर्डर है, उनका रूटीन सही नहीं है और एज भी 30 पार कर रहा है, तो वो लोग इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल पर्सन होते हैं। उनका बीपी रेगुलर वे में मॉनिटर करना जरूरी है। अगर बात किया जाए एज की ग्रुप की बात, तो 30 साल से नीचे बच्चों में भी ब्लड प्रेशर की शिकायत देखने को मिलती है कुछ केसों में, जैसे किडनी का प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे को हो जाए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसको कहते हैं, वो हो जाने पे बच्चों में भी ब्लड प्रेशर होता है। तो ऐसा नहीं है कि 30 साल से नीचे नहीं होगा, लेकिन आइडियल एज ग्रुप 30 से 79 साल है। रिस्क फैक्टर क्या है? जैसे जैसे वो एज बढ़ता है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर का बीमारी होने का खतरा भी बढ़ते जाता है। ओबेसिटी अभी के समय में सबसे बड़ा कारण है। ओबेसिटी यानी फैट का डिपोजिशन होना, फैट ज्यादा डिपोजिशन होगा इट मींस कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल ब्लड में क्या होता है, विस्कोसिटी को घटा देता है और ब्लड का स्पीड क्या होता है बढ़ जाता है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर नॉर्मल की अपेक्षा ज्यादा हो जाता है। तो ओबेसिटी सबसे प्रबल कारण है। और एक मैंने अभी थोड़ा चर्चा किया था कि स्लीप डिसऑर्डर, जिन लोगों को सोना उठना अगर रूटीन सही नहीं है, पूरा टाइम सो नहीं पाते हैं, एक डीप स्लीप होना चाहिए 6 आवर का एटलीस्ट, वो नहीं हो पाता है, तो उन लोगों में भी ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है, देखने को मिलता है। इसके अलावा जो पर्सन बहुत ज्यादा ऑफिस वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं, फिजिकली एक्टिव कम रहते हैं, लेस एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा नमक खाना यानी बाजार का खाना ज्यादा खाएं, वाइली खाना फूड ज्यादा प्रेफर करते हैं, उन लोगों में भी ये बहुत कॉमन है। जो लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं या सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उन लोगों में भी ये बीमारी आराम से बहुत जल्दी देखने को मिल जाती है। सिम्टम्स क्या है? हाई ब्लड प्रेशर होगा तो कैसे आप पहचानेंगे? हाई ब्लड प्रेशर होने पर सबसे कॉमन सिम्टम होता है चक्कर आना, बहुत ज्यादा चक्कर आने लगेगा, आप कंफ्यूजन के स्टेट में आ जाएंगे, समझना मुश्किल हो जाएगा, लगेगा बेहोशी छा रहा है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर और बढ़ता है तो उल्टी ऐसा महसूस होगा, मन हुलियाने लगेगा। ब्लड प्रेशर अगर 200 180 से अबव चला जाता है तो बहुत सारे केस में लोगों को नेजल ब्लीड भी होता है। इसके अलावा सीवियर हेडक, चेस्ट पेन, ये भी एसोसिएटेड सिम्टम है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? सबसे ज्यादा अच्छा चीज है कि लाइफ स्टाइल चेंज। जैसे आप एज आ गए कि आप ब्लड प्रेशर के रेंज में आ गए हैं, 30 साल पार कर रहा है, तो आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, सोने उठने का रूटीन सही करना पड़ेगा, एंजाइटी से बचाव करना पड़ेगा, ओबेसिटी को हटाना पड़ेगा, खाना संयम ले, पेट भरने के लिए खाना खाएं, खाने के लिए ही आप जिंदा ना रहें कि एकदम हमको ठूस ठूस के खाना है, खाना लिमिट में खाएं, कम खाएं, संयम से खाएं, कभी कदाल सब कुछ सही है, रेगुलर वे में डाइट एकदम प्रॉपर होना चाहिए, हेल्दी डाइट। उसके अलावा अगर आप बहुत ओबीस हैं तो वॉकिंग कीजिए, टहलना बुलना कीजिए, वजन को घटाइए, वजन को मेंटेन कीजिए, अल्कोहल का कंजम्पशन रोकिए, स्मोकिंग कम कीजिए। इसके बावजूद अगर आप बीमारी के चपेट में आ जाते हैं तो बचाव के लिए ट्रीटमेंट, जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है वो है एम्लोडिपिन और एटिनोल का कम्बिनेशन, एम्लोकाइनेटिक, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर के रूप में हर जगह अवेलेबल रहता है, हर प्रैक्टिशनर आजकल यही ज्यादा यूज करता है एम्लोकाइनेटिक, जो सबसे चीफ ड्रग है। उसके अलावा एआरबी जो एटेलमिसार्टन ओलमिसार्टन के नाम से आता है, डायरोटिक्स, हाइड्रोक्लोरोथायाजिड, क्लोरथाइडोलोन, एसी इनहिबिटर, लिना इनालाप्रिल, लिसनोप्रिल, रामिप्रिल आदि के नाम से अवेलेबल है मार्केट में, जो मैक्सिमम आप कोशिश कीजिएगा कि किसी ना किसी अच्छे प्रैक्टिशनर, अच्छे डॉक्टर्स के कंसल्ट करके ही आप अपना दवा खाना शुरू कीजिए। सभी एज ग्रुप के लिए अलग अलग
रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग ड्रग की जरूरत रहती है, इसीलिए आप ड्रग लें, लेकिन हमेशा हेल्थ जो प्रोवाइडर हैं आपके, डॉक्टर हैं या जूनियर जिनको नॉलेज है अच्छा, उनसे संपर्क करके ही इनका अपना हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू।